तो जी न्यूज पर आज हमने आपको लगातार दिखाया कि किस तरह योगी आदित्यनाथ ने लगातार दूसरी बार उत्तर प्रदेश की कमान संभाल ली है। शपथ लेने के साथ ही योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के ऐसे पहले सीएम जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा करने के बाद सत्ता में वापसी की है। योगी की इस ऐतिहासिक जीत में जो मंत्र काम आया वो आप कह सकते हैं, लोगों को सुरक्षा देना और उनकी सख्त प्रशासक वाली छवि। खासतौर पर माफिया की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई कर उन्होंने जीत की राह को आसान बनाने का काम किया। मैं आदित्यनाथ योगी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। लगातार दूसरी बार यूपी का सीएम बनकर योगी आदित्यनाथ ने इतिहास सृष्ट किया। अब कोई जरूरत नहीं। योगी की मदद से बीजेपी ने वो कर दिखाया जो 37 साल में यूपी में कोई नहीं कर सका। पीएम मोदी पहले ही योगी को उपयोगी बता चुके थे, यूपी के लिए जरूरी बता चुके थे। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। नतीजे आए तो पीएम का भरोसा सच साबित हुआ। योगी की अगुवाई में बीजेपी ने प्रचंड जीत हासिल की। योगी की ऐतिहासिक जीत के पीछे कई कारण गिनाए जा रहे हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा कारण माना जा रहा है वो है माफिया और गुंडों की अवैध संपत्तियों पर चला बुलडोजर। एक के बाद एक माफिया के अवैध संपत्तियों पर कार्रवाई के बाद सीएम योगी की छवि बुलडोजर बाबा की बन गई। लोगों में योगी के अंदर ऐसा नायक नजर आया जो कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं करता, जिसके लिए लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है। 10 मार्च को जब यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो कार्यकर्ता बुलडोजर के साथ जश्न मनाते नजर आए। विधानसभा के सामने मौजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा था कि ये बुलडोजर माफिया और गुंडों की अवैध संपत्तियों के साथ विपक्षी दलों की उम्मीदों पर भी चल गया। 10 मार्च को जब यूपी विधानसभा चुनाव के नतीजे आए तो कार्यकर्ता बुलडोजर के साथ जश्न मनाते नजर आए। विधानसभा के सामने मौजूद कार्यकर्ताओं का उत्साह बता रहा था कि ये बुलडोजर माफिया और गुंडों की अवैध संपत्तियों के साथ विपक्षी दलों की उम्मीदों पर भी चल गया। दरअसल चुनाव प्रचार के दौरान सीएम योगी ने अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चलाने को उपलब्धि के तौर पर बताया। लोगों को भरोसा दिलाया कि किसी को भी कानून से खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जाएगी, लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। योगी के अलावा लगभग सभी बीजेपी नेताओं ने सुरक्षा का मुद्दा उठाया जिसने लोगों को प्रभावित किया। खुद पीएम मोदी ने भी 2017 से पहले के असुरक्षा के माहौल को याद दिलाया और पहले की समाजवादी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया। इन गौर परिवारवादियों की सरकार में संगीन अपराधों के आरोपी और माफिया मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। बीजेपी ने फर्क साफ है का नारा दिया, अखिलेश के कार्यकाल में अराजकता का मुद्दा उठाया और योगी आदित्यनाथ के राज में सुधरती कानून व्यवस्था का जिक्र किया। लोगों को याद दिलाया कि समाजवादी सरकार आई तो फिर 2017 से पहले वाला दौर लौटाएगा
जब माफिया और आपराधिक तत्व सत्ता की आड़ में लोगों को परेशान किया करते थे। आज पूरे यूपी की जनता कह रही है, यूपी प्लस योगी बहुत है उपयोगी। यूपी प्लस योगी बहुत है। सूबे में कानून व्यवस्था का राज कायम करने के लिए सीएम योगी ने खुद को एक सख्त प्रशासक के रूप में पेश किया। प्रचार के दौरान योगी का गर्मी शांत करने वाला बयान खासा चर्चा में रहा। गर्मी जो अभी किराना में और मुजफ्फरनगर में कुछ जगह दिखाई दे रही ना, ये सब शांत हो जाएगी इसके बाद, क्योंकि गर्मी कैसे शांत होगी ये तो मैं मई और जून में भी इसको बहुत शिमला बना देता हूं। सख्त प्रशासक की छवि को और पुख्ता करने के लिए सीएम योगी ने भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति को भी जोर शोर से उठाया। कन्नौज के इत्र कारोबारी के ठिकानों से बरामद रुपयों का जिक्र किया और समाजवादी इत्र के जरिए समाजवादी पार्टी को घेरा। समाजवादी इत्र का नारा देने वाले प्रदेश में किस प्रकार का बदबू, भ्रष्टाचार का बदबू फैलाते थे, ये दृश्य भी उत्तर प्रदेश वासियों ने देखा है। योगी आदित्यनाथ ने चुनावी रैलियों में पिछली सरकारों के कार्यकाल में भ्रष्टाचार का मुद्दा भी उछाला। इस दौरान उन्होंने दावा किया कि सरकार की सख्ती के चलते अब यूपी में भ्रष्टाचार पर लगाम लगी है। दीवालों को तोड़ करके निकलने वाली नोट की गड्डियां और वहां से निकलने वाले सोने की सिल्लियां पिछली सरकारों ने के काले कारनामे को उजागर करता है कि गरीब का पैसा ये लोग कैसे छुपा करके रखते थे। सीएम योगी ने अपराधियों और भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई का जिक्र करके अपनी सरकार के पीठ थपथपाई, खुद की ऐसी इमेज गढ़ी कि विरोधी नेता उनके सामने बौने नजर आने लगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी नेताओं ने राज्य के विकास के लिए डबल इंजन सरकार को भी जरूरी बताया। प्रधानमंत्री मोदी अपने कार्यक्रमों में बार बार कहते रहे कि राज्य को तेज गति से विकास करने के लिए डबल इंजन की सरकार जरूरी है। पीएम मोदी ने 5 सालों के काम गिनाए और डबल इंजन सरकार की ताकत लोगों के सामने रखी। काम करने वाली सरकार चाहिए, योजनाओं को जमीन पर लागू करने वाली सरकार चाहिए, और यही होती है डबल इंजन की सरकार की ताकत। पीएम मोदी के भरोसे का गहरा असर पड़ा। लोगों को लगा कि प्रदेश में तेजी से विकास के लिए डबल इंजन की सरकार का होना जरूरी है। केंद्र में मोदी और राज्य में योगी का नारा चल गया। लोगों ने केंद्र और राज्य में बेहतर तालमेल के लिए योगी को फिर से चुना ताकि विकास की रफ्तार पर ब्रेक न लग सके। लोगों के भरोसे के कारण सीएम योगी ने इतिहास रच दिया और 5 साल के कार्यकाल के बाद सत्ता में वापसी करने वाले यूपी के पहले सीएम बन गए। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और योगी आदित्यनाथ बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं कि उनके सामने चुनौती है अपने काम को पहले से और ज्यादा बेहतर करने की और वो सुशासन को और सुदृढ़ करना चाहते हैं। जाहिर तौर पर निगाहें 2024 के लोकसभा इलेक्शंस पर। प्रेजेंटिंग बी न्यूज़ ऐप अवेलेबल ऑन गूगल प्ले एंड ऐप स्टोर। डाउनलोड इट नाउ।